फेरोमोन ट्रैप अभी हमारे सोयाबीन में लगने वाले दो प्रमुख कीड़ों के लिए आता है। एक तो चने की इल्ली लगती है जिसको हम हेलिकोबार्पा अरमिजेरा बोलते हैं, और दूसरी तंबाकू की इल्ली है जिसको आप लोग चित्तीदार इल्ली या काली इल्ली भी बोलते हैं, स्पोडोप्टेरा लिटुरा। इन दो कीड़ों के फेरोमोन बाजार में उपलब्ध हैं। अगर हम इनको लगाते हैं, सिर्फ अगर दो फेरोमोन ट्रैप भी खेत में लगा दिए और उसमें उसके पतंगे आने लगे नीचे की थैली में, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि इस विशेष कीट का सोयाबीन में प्रकोप शुरू हो गया है और उसके नियंत्रण के उपाय हमको करना चाहिए। यहाँ पर फिर मैं एक सावधानी के लिए आपसे बात करूँगा कि फेरोमोन ट्रैप वही लें जिस कीट की आपके खेत में समस्या है। यानी कि अगर चने की इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है तो चने की इल्ली का फेरोमोन लें, तंबाकू की इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है तो तंबाकू की इल्ली का प्रकोप लें। और दूसरी सावधानी बरतनी चाहिए कि जब फेरोमोन को की जो एक कैप्सूल होता है छोटा सा जिसको हम ल्योर बोलते हैं, वो रंगे हाथों से न पकड़ें उसको, उसको साफ रुई से या साफ रुमाल से पकड़ें और फिर उसको ट्रैप में लगाएं, तो उसका आप फायदा देखेंगे। बहुत लंबे समय तक 10 से 12 दिन तक उसका असर रहता है। अब हम मैं बात करूंगा कुछ कीटनाशकों की। कुछ नए तरह के कीटनाशक आए हैं जिनमें कि दो दो तरह के कीटनाशक मिले हुए हैं। एक संपर्क कीटनाशक होता है उसमें, और एक सिस्टमिक कीटनाशक होता है। दो मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। एक कॉम्बिनेशन में है जिसमें थायमेथोक्सम जो कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, उसमें लेमडा साइलोसिन मिला रहता है जो कि संपर्क कीटनाशक है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसी तरह बीटा साइफ्लोथिन और इमिडाक्लोप्रिड का भी कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। इनको हम उपयोग करेंगे तो न सिर्फ पत्ती खाने वाले या सोयाबीन को जो बाहर से खाते हैं उनसे नियंत्रण होगा, बल्कि जो तने के अंदर रहते हैं जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनका भी नियंत्रण प्रभावी रूप से होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा, विशेष रूप से उन किसान भाइयों के लिए जिनको कि अभी बोनी करनी है। हमने अनुसंधान से पता लगाया है कि कुछ खरपतवार नाशक और कुछ कीटनाशक साथ में मिला के डाले जा सकते हैं। हमने देखा है 6 साल के परीक्षण के बाद में ये देखा है कि जो आम तौर पे खड़ी फसल में डालने वाले खरपतवार नाशक हैं उनके साथ में क्लोरएंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब या फिर क्विनालफास, इन तीन कीटनाशकों को मिला के अगर डालेंगे तो शुरुआत की अवस्था के जो कीट है जो कि फूल आने के समय लगते हैं वो, और खरपतवार, ये दोनों नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्लोरएंट्रानिलिप्रोल के साथ में खरपतवार नाशक जो कि खड़ी फसल में डाला जाता है उसको अगर डालेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक कीट और खरपतवार से सुरक्षा मिलेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और इनको आप अपनाएं और अपनी अच्छे से अच्छे उत्पादन लेने के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद।